News 18 India. आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर जो कि पाकिस्तान से, जहां पर इमरान खान की वापसी होती दिख रही है। चुनावी नतीजे इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इमरान खान के समर्थकों ने चुनाव में बड़ा उलटफेर कर दिया है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो इमरान के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली है। लेकिन अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसमें 266 सीटों में से 37 सीटों पर नतीजे आए। इमरान खान के समर्थक जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, उनमें से 12 ने जीत दर्ज कर ली है। वही अगर बात नवाज शरीफ की करते हैं, उनकी पार्टी पीएमएलएन के जो है 14 सीटों पर और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी को 9 सीटों पर जीत मिली है। अभी भी काउंटिंग जारी है। कल वोटिंग पूरी होने के बाद जैसे ही रुझान सामने आने शुरू हुए, उन रुझानों से तस्वीर ये निकल कर सामने आने लगी कि इमरान खान की तरफ जो है झुकाव दिखाई दे रहा है। इमरान खान आगे बढ़ते हुए इस रेस में दिखाई दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार के तौर पर इस चुनाव में उतरे थे और देखिए हम आपको टैली भी दिखा रहे हैं। महान समर्थक जो 12 पर और नवाज जो पीएमएलएन है उनकी पार्टी वो 14 पर, बिलावल भुट्टो की पार्टी पीछे है। और इस सब में सबसे बड़ी बात, आतंकी हाफिज सईद उसका बेटा पीटीआई के समर्थक के आगे फेल हो गया है। ये एक दूसरा कू हो गया वहां पाकिस्तान के अंदर। वहां की सेना ये सोच ही नहीं पाई थी। वो तो सोच रही थी कि उसकी दमन की जो नीति है वो काफ़ी कामयाब है। उसने सोचा था कि सारे बड़े लीडर्स पीटीआई के जेल में हैं, इमरान खान जेल में हैं, इमरान खान की पार्टी का सिंबल बल्ला बैग जो था वो कोई नहीं यूज़ कर सकता, पार्टी के कलर्स भी पोस्टर में नहीं कोई लगा सकता, उनकी तस्वीर भी नहीं लगा सकती। लेकिन उसके बाद भी जबरदस्त मैनेजमेंट लड़कों ने किया। और अब जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं उससे एक सवाल उठ रहा है, और सवाल यह है कि इमरान खान पर इतनी सारी पाबंदियां होने के बावजूद उनके समर्थक आखिर चुनाव में जीत के झंडे गाड़ कैसे रहे हैं, क्योंकि इमरान को जेल से निकलने दिया नहीं गया। इमरान की पार्टी पीटीआई के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, वो रैलियां नहीं कर पाए, पीटीआई के सिंबल पर चुनाव में बैन लगा दिया गया। अब पीटीआई के नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें भी रैलियां करने पर तितर बितर कर दिया जाता था। इसीलिए सवाल यह है कि इन सब के बावजूद, इतनी पाबंदियों के बावजूद भी कैसे इमरान खान के समर्थन वाली ये जो पार्टी है, जो समर्थक है तमाम इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, वो कैसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के ये नतीजे इसीलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि अब तक पाकिस्तान में नहीं हुआ कि जब सेना अगर समर्थन ना करे तो वहां सरकार बन जाए, लेकिन अब ऐसा होता दिख रहा है। सेना जिनको पसंद नहीं कर रही है वो तक आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं कि कैसे इमरान खान पर पाबंदियां लगे लेकिन फिर भी इमरान खान वापस लौट रहे। पहले जेल में बंद है, आप देख रहे हैं कोई कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से पाबंदियां लगी, लेकिन बावजूद इसके उनके समर्थक आ गए हैं। रैलियां नहीं कर पाए, रैलियां सबसे बड़ा कारण होता है कि आप अपने जो वोटर्स हैं उनको लुभाएंगे कैसे, लेकिन वो रैलियां भी नहीं कर पाए। प्रचार पर पूरी तरीके से उनके रोक थी और सिंबल पर तक जो है वो बैन लगा हुआ था। तो ये सारे रहे फैक्टर्स, बावजूद इसके इमरान के समर्थक आगे बढ़ रहे हैं। और कमर आगा को आपने सुना, वो यही बात कह रहे हैं कि ये सेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि आप इतनी रोक लगाते रहे, आप इतनी पाबंदियां लगाते रहे, लेकिन बावजूद इसके इमरान खान के समर्थक, उनकी टीम ग्राउंड पर इस तरीके से काम करती है कि नतीजे आज उनके पक्ष में होते दिख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई ये है कि शरीफ परिवार ने अपनी सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज चुनाव जीत गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी लाहौर में अपनी सीट जीत ली है, जबकि उनके बेटे हमजा शहबाज ने भी अपनी सीट जीत ली है। हालांकि नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नतीजों में यहां पर पीछे चल रही है, और इमरान के समर्थक जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरे हैं, उन्होंने अब तक के घोषित नतीजों में बढ़त बना रखी है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि शरीफ परिवार ने जो अपनी सीटें थी उन पर यहां पर जरूर दर्ज कर ली है, पार्टी भले ही पीछे चल रही हो। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि एक के बाद एक जो नतीजे सामने आते जा रहे हैं वो पहले वाले से ज्यादा चौंकाने वाले हैं। अब आपको ये बता दें कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज चुनाव जीत चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी भी लाहौर वाली सीट यहां से पक्की कर ली है, जीत ली है, जबकि उनके बेटे हैं जिनका नाम हमजा शहबाज है, उन्होंने भी यहां पर अपनी सीट जीत ली है। ये आंकड़े जो अभी तक के सामने आए हैं वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, और इसीलिए ये आंकड़े प्रश्न चिन्ह भी हैं कि आखिर इमरान समर्थक इतना आगे कैसे निकल गए।
वोटों की गिनती हो रही है लेकिन धांधली के भी आरोप लग रहे हैं। पीटीआई के नेता धांधली के आरोप लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मतदान खत्म होने के 18 घंटे बाद भी नतीजे पूरे नहीं आ पाए हैं, मतगणना में देरी की जा रही है जानबूझकर, जबकि शुरुआती रुझान में इमरान समर्थक आगे दिख रहे थे। ऐसे में नतीजों में गड़बड़ी करने के लिए देरी करने का आरोप पीटीआई के नेता लगा रहे हैं, क्योंकि ये नतीजे देर रात या आज सुबह तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन ये देरी धांधली की ओर इशारा कर रही है।